हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज के मेरे इस व्लॉग में एक फिर से रेसिपी व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ आपके लिए, और यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए दाल के पकौड़े की सब्ज़ी। अब ये बहुत ही ट्विस्टेड है लेकिन खाने में उतनी ही डिलिशियस है। नाम ट्विस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बड़ी ही टेस्टी है। आप इसको बड़े की सब्ज़ी भी बोल सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और बहुत ही सिंपल। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए। जो आपके घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आप उनके साथ बना सकते हो। स्पेशली तब अगर आपके पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो तो ये आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मेरे बड़े की सब्ज़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दाल ले ली है, मसूर की दाल है ये, और इसको मैंने 3 to 4 hours मैंने पानी में सोख करके रख दिया है। साथ में यहाँ पे मैंने मसालों में ले लिया है थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, एक टमाटर लिया है मैंने, और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसको हमें ब्लेंड कर लेना है। और मसाले में कुछ पाउडर मसाले भी पड़ेंगे तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। फ़िलहाल इतने सारे मसाले आपको ब्लेंड कर लेने हैं, एकदम थिक सा पेस्ट बना के ब्लेंड कर लेना। ये थोड़ी सी धनिया पत्ती थी तो मैंने इसको भी चॉप करके ले लिया है, और ये सारे पाउडर मसाले जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ, सारे मसाले जो हैं एक एक टीस्पून जाएंगे ऑफकोर्स, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, वैसे यहाँ मैंने इसे मसूर दाल के साथ बना के दिखाया है, बट बहुत सारे लोग आप में से जो इसे बनाते हो वो इसे चने की दाल के साथ भी बनाते हैं। तो ये चने की दाल के साथ भी बनती है और मसूर की दाल के साथ भी बनती है। आप अगर बनाना चाहो तो ये मूंग की दाल के साथ भी बन जाएगी, तो आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल यहाँ पे इसका ब्लेंड करके हमने एक पेस्ट बना लिया है, और इस तरफ मैंने दाल ले ली है, अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, ब्लेंड करते वक्त ना आपको बहुत ही केयरफुली इसमें बिल्कुल 2-3 चम्मच के हिसाब से आपको पानी मिलानी है। बहुत ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा वरना वो थोड़ा जो आप बनाओगे ना पेस्ट वो ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, और फिर जब आप पकौड़े तलेंगे ना तो वो सही से नहीं तलाएगा। तो इधर हमने दाल भी ब्लेंड कर ली, और उसमें हम थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही साथ मैंने थोड़े से प्याज मैंने चॉप करके ले लिए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है आपके पकौड़ों को। ऑफकोर्स आप अगर इसके बगैर भी बनाना चाहो तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी मिलाएंगे तो भी टेस्ट अच्छा ही आता है। फ़िलहाल मैंने इनको मिला दिया है, और अच्छे से इसको ना आप मिक्स कर लो, और तेल जो है वो गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। अब जो है ना इसके थोड़े बड़े साइज़ के पकौड़े बना के हम रेडी कर लेंगे। जैसे छोटे छोटे से पकौड़े बनाते हैं ना हम, वैसे नहीं, थोड़े बड़े बड़े से बनाने हैं। जैसे हम यूजुअली कोफ्ते जब बनाते हैं तो कोफ्ते थोड़े बड़े साइज़ के ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मीडियम टू लार्ज बोल सकते हो आप। तो यहाँ भी आपको उतने ही बड़े साइज़ के आपको पकौड़े बना के रेडी कर लेने हैं, और सीम टू मीडियम फ्लेम में आपको, लो टू मीडियम फ्लेम में जो है ना आपको इसको फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर से भी ये कुक हो जाए। वरना आप अगर हाई फ्लेम में इसको कुक करोगे ना तो बाहर से तो ये अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाएगा बट अंदर वो कच्चा रहेगा। ऐसा होता है क्योंकि जब आप दाल अच्छे से नहीं पकाते हो ना तो वो फिर अंदर थोड़ा कच्चा सा रहने लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने पकौड़े बना लिए हैं, और अब जो है ना हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो मसाले जो हमने ब्लेंड करके रखे हैं ना उसको हमने बस ऐड कर देना है, तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हमने बस ऐड कर देना है मसालों को, और ऑयल रिलीज होने तक उसको अच्छे से फ्राई करना है। तो मसाले में हमने नॉर्मली, मैंने बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं ऐड किया है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसाले थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं, बट एक्चुअली ना सब्ज़ियों में ज़्यादा मसाले ऐड करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। इनफैक्ट वो आपकी बर्बादी हो जानी है वो सब्ज़ी। आप ना कम ऐड करो ना ज़्यादा, जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है चीज़ों की आप उतना ही ऐड करिएगा, तो कम चीज़ों में भी अच्छा स्वाद आ सकता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पाउडर मसाले भी ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, एंड ऑफकोर्स नमक ऐड किया है हमने। और ये सारा कुछ ऐड करने के बाद ना आपको अच्छे से इसको स्टर कर करके अच्छे से आपको भुन लेना है मसालों को। मसाले को अच्छे से भुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं भुनते हो ना तो उसमें से कच्चेपन की स्मेल आती है मसालों की, लाइक लहसुन होता है, प्याज है, उसकी कच्चेपन की स्मेल आती है। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से भुन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो मसाले बॉटम में चिपक रहे थे, और अगर आप पानी नहीं ऐड करते, इससे मैंने ऑयल थोड़ा कम ऐड किया था,
अगर आप ज़्यादा ऑयल ऐड करते हैं तो ऑफ़ कोर्स मसाले नहीं चिपकते हैं, लेकिन अगर आप कम ऑयल में बनाते हो चीज़ें तो फिर वो चिपकने लगता है नीचे से। तो आप जितना कम ऑयल ऐड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अभी का जो ज़माना है ना, हमें ऑयल थोड़ा कम ही यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। एनीवेज़, यहाँ मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका था और ऑयल रिलीज़ कर दिया था मसाले ने, तो हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। मैंने इतना पानी ऐड किया है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए या फिर कम ग्रेवी चाहिए तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो कम या ज़्यादा। फ़िलहाल मैंने इतना पानी यहाँ इसीलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें ना हम लोग उबाल आने देंगे और पानी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। इस टाइम पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड कर दी है ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है ग्रेवी में और अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। और ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, इसे अच्छे से उबाल आने देंगे। और जब बहुत अच्छा से उबाल आ जाएगा ना, तब जो पकौड़े बना के हमने रखे हैं ना साइड में, उनको हमें इसमें डाल देना है। अच्छा, पकौड़े जब आप ग्रेवी में डालोगे ना तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, इसलिए पानी जो है, जो ग्रेवी जो है, आपको पहले ही उबाल लेना है अच्छे से। क्योंकि पकौड़े डालने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा उबालोगे ना तो फिर वो टूटने लगते हैं पकौड़े, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और जब आप ग्रेवी में डालोगे तो भी वो सॉफ्ट ही रहेंगे और अच्छे से ग्रेवी उनमें तुरंत जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ग्रेवी बहुत सारा। लेकिन अगर आप, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पकौड़े ऐड कर दिए हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें अच्छे से थोड़ा सा उबाल आने देना है, और उसके बाद जो है हम लोग गैस का नॉब ऑफ कर देंगे और यहाँ पे मेरे बड़े की सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने कि ये बहुत ही आसान है इसे बनाना, कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। आपके घर पे, आपके किचन में बहुत ही आसानी से ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। दाल है जो हमारे पास हमेशा से ही रहती है, जो मसाले हैं वो नॉर्मल घर पे जो मिलते हैं हमारे घर पे हर वक्त अवेलेबल होते हैं ये सारे मसाले। तो यही सारी चीज़ों से ना इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इसे बनाओगे तो आपकी फैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगी। तो जब भी घर पे सब्ज़ी अवेलेबल ना हो ना, इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। फ़िलहाल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।